अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समी लाइट्स। आज की वीडियो में हम आपको IR सेंसर मॉड्यूल बनाने का तरीकाकार सिखाएंगे और बताएंगे कि ये किस तरह काम करता है, और जो सारा तरीकेकार है आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा, और इस वीडियो की जो डायग्राम है इस प्रोजेक्ट की वो भी वीडियो के एंड में और लिंक में हम देंगे आपको, और आपको ये चलाकर दिखाते हैं कि ये किस तरह काम करता है और आप इसको कमरे में और वॉशरूम में इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और इसका क्या तरीक़ेकार है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। चलें आपको चलाकर चेक करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। ये हमारे पास एक 60 वाट का बल्ब और होल्डर मौजूद है, और इसको हम आपको चलाकर चेक करवाते हैं कि ये किस तरह काम करेगा और इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। और ये देखें जी, बल्ब हमारे पास मौजूद है और हम इसको लगा लेंगे। कनेक्शन जो है सारी डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये इसके कनेक्शन होंगे, फ़िलहाल हम आपको लगा कर दिखाते हैं। डायग्राम के हिसाब से इसके कनेक्शन कर लेंगे अच्छे तरीके से, और देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता। इसको अच्छे तरीके से रख लेंगे, और ये हमारे पास 5 वोल्ट का जैक है इधर, तो इस जगह हम इसको 5 वोल्ट देंगे। चार्जर की मदद से भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई सप्लाई वगैरह है 5 वोल्ट की वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, हम आपको चार्जर लगा कर दिखाते हैं और सप्लाई ऑन करके दिखाते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। ये हमारे पास मौजूद है मोबाइल वाला चार्जर, और हम इसको इस जैक में कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि इसकी सप्लाई ऑन होती है या नहीं। ये देखें जी, इसकी सप्लाई जो है ऑन हो गई है, क्योंकि जो रोशनी जब इस सेंसर पर पड़ती है तो तब भी ये जो है ना ऑन हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा रोशनी से दूर करके इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चले हम 220 वाली तार भी लगा लेते हैं बोर्ड में। हमने इस प्रोजेक्ट को जो है सप्लाई इसको 5 वोल्ट दे दी है, और रिले के लिए हमने जो बल्ब इस्तेमाल करना है उसके लिए 220 वोल्ट हमने दे दिए हैं। अब आपको चेक करवाते हैं कि ये किस तरह काम करता है या नहीं करता, जो भी है वो आपके वीडियो में सामने होगा। तो बल्ब के ऊपर हम कोई कागज़ रख देंगे ताकि जो है उस पर सेंसर पर रोशनी ना जाए, क्योंकि अगर रोशनी जाएगी तो वो बंद नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक कागज़ का हमने बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर हम रख देंगे। तो हम अब चला के चेक करते हैं ये काम करता है या नहीं करता। ये देखें, सर्किट जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। ये देखें, इसके ऊपर से हाथ गुजारेंगे तो ये काम करेगा, अगर दोबारा इसके ऊपर से हाथ गुजारेंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। ये देखें, इसको आप वॉशरूम के दरवाज़े पर, रूम के दरवाज़े पर, कमरे के किसी भी जगह, मतलब इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कि आप आएँ और इसके पास में से गुजरें तो जो ये है उसी टाइम काम करना स्टार्ट कर देगा, जब आप बाहर जाएंगे तो लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। ये देखें, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये काम हमारा सर्किट कर रहा है। तो अगर आपको इसकी डायग्राम चाहिए तो जो वीडियो के लिंक है इसमें हम इसका लिंक डायग्राम का दे देंगे, उधर से आप देख कर खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इस वजह से हमने जो है बोर्ड पर पहले ही इसको बना लिया था कि डायग्राम आपको दे देंगे, डायग्राम देखकर आप इसको इजी तरीके से बना सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर से आप जो है जैसे ही हाथ साइड पे करेंगे तो ये देखें काम करना शुरू कर देगा,
और जैसे ही आप इसके ऊपर से दोबारा हाथ करेंगे या इसके पास से गुजरेंगे तो ये जो है काम करना स्टार्ट कर देगा और दोबारा फिर ये बंद कर देगा। ये देखें, अगर आप इस तरह के मज़ीद और प्रोजेक्ट देख की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और मज़ीद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।